Hello, my wonderful viewers. Today I am back with a new lesson in which we will learn how to respond a compliment. यानी कि हम सीखेंगे अगर आप कोई आपको ग्रीट करे, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे, ठीक है, आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है. वी हैव अ वेरी कॉमन फ्रेज दैट इज सेम टू यू. वी कीप स्पीकिंग सेम टू यू, सेम टू टू ऑल द टाइम. इट रियली गेट्स बोरिंग, इजंट इट? व्हाट डू यू थिंक? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सेम टू यू, वी कैन रिप्लेस द सेम इज समथिंग न्यू, समथिंग वंडरफुल, समथिंग अट्रैक्टिव, राइट? सो लेट्स गेट गोइंग. द फर्स्ट वन दैट वी हैव, बैक एट यू. Back at you means you two have the same. For example, someone comes and greets you, oh, happy new year, happy Holi, happy Diwali. So what we can say, back at you, back at you, instead of saying same to you. Okay, next one is right back at you, have a great day. Okay, if someone says, okay, wish you a wonderful day, have a great day, have a nice time, theek hai? So instead of saying okay, same to you, no, it really gets boring. So what you can instead, right back at you, have a great day, right back at you, have a great day. Next one is, used to my greetings. For example, you are going to greet someone, happy Holi, happy Diwali. Okay, so you were about to greet him the same, aap bhi usko same wish karne wale the. So in that case, what you can say, kya bol sakte hain aap? Used to all my greetings, used to all my greetings. Next, wow, I don't know what to say. You two have the same time. For example, जैसे कि आप, you are going on a vacation, आप vacation पर जा रहे हैं, so your friend makes a call or messages you that have an awesome holidays, have a wonderful time on vacation. So you get emotional, you become happy, emotionally happy, ठीक है ना, emotionally happy हो जाते हो. इन दैट केस आपकी जो फीलिंग्स है वो क्या है? वाओ, आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा कि मैं क्या कहूँ. यू टू हैव द सेम टाइम, बस आप उसको इतना कहते हो, आपका भी दिन अच्छा हो अगर कहीं पर भी आप जाएं. वेयर एवर यू, यू टू हैव द सेम टाइम. ओके, द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इन ऑन आवर लिस्ट इज, द फीलिंग इज म्यूचुअल. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट विद अ पर्सन टू हैव कॉफी और समथिंग एल्स, ठीक है, उसके साथ आपने यू स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विद दैट पर्सन, काफ़ी समय बिताया उस व्यक्ति के साथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, एट द टाइम वैन यू लीव. सो वट यू कैन से, द फीलिंग इज म्यूचुअल. ये वट यू से, जैसे उसने कहा बहुत अच्छा था, इट वॉज रियली प्लेशर मीटिंग यू, आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू, ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, क्या कह सकते हैं, सेम टू यू के बजाय आप क्या बोल सकते हैं? द फीलिंग इज म्यूचुअल मीन्स आई फील द सेम एज यू डू, मैं भी वही महसूस करता हूँ, मीन्स आई ऑल्सो हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू. सो द फीलिंग इज म्यूचुअल. डिटो, हैव एन ऑसम हॉलीडे. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन ग्रीट्स यू, हैव एन ऑसम हॉलीडे, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सेम टू यू, यू कैन से डिटो, हैव एन ऑसम हॉलीडे, डिटो, हैव एन ऑसम हॉलीडे. नेक्स्ट वन वी हैव, अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन. जब कोई आपकी सिंसियरली तारीफ करता है, ओके, और उसको आप अच्छे से एक्नॉलेज करते हो, रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज करते हो, व्हेन यू एक्नॉलेज द ग्रीटिंग्स ऑफ अ पर्सन विद रिस्पेक्ट, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन से, अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन. ओके, अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन, अप्रिशिएट दैट, थैंक्स अ टन. ओनली थैंक्स अ टन विल डू, ये भी काफ़ी रहेगा. But if you add appreciate that, that will add ice on the cake. Okay, तो बहुत अच्छा बन जाएगा ये. Next one we have, same applies to you. Same applies to you. It means, for example, there were so many people, okay, and everybody delivered a speech or gave some presentation. Okay, so you can compliment. Oh, you had a wonderful presentation. ठीक है, तो रिस्पॉन्स में आकर के सेम टू यू, सेम टू यू नहीं कहना. ओके, तो क्या कहना है? मैंने तो प्रेजेंटेशन अच्छी दी, थैंक यू, लेकिन आपने भी अच्छी दी. सो इन दैट केस यू कैन से सेम अप्लाइज टू यू, सेम अप्लाइज टू यू मीन्स यू ऑल्सो डिलीवर्ड द गुड प्रेजेंटेशन और स्पीच. ओके, आई विल द सेम टू यू टू.
So again, we have this common phrase. Okay, if someone wishes you happy Holi, happy Diwali. Okay, so simply you can wish, I wish the same to you too. I wish the same to you too. Next one we have, like us man, girl. However, it's informal. ये informal है, ठीक है? तो अगर कोई हमें greet कर रहे, okay, have a nice time or have a good day or happy Holi, happy Diwali, whatever it is. So likewise. So we can use a name instead of man, girl, okay? Likewise, Rishabh, you two have the same. Next one we have, that's the best I could do for the day, hoping alike for you too. Ab ye kab bolna hai? For example, you are going to do something for the first time. You're going to deliver a speech for the first time, or you're going to appear in the interview for the first time. Okay, whatever it is, or you're in a school, you're going to perform for the first time, and your friend comes to you and he greets you. Okay, says, okay, wish you the best of luck. Okay, you're going to do the best. You're going to crack the interview, or you're going to give your best today. ठीक है ना? In that case, इस situation में हम क्या करेंगे? तो क्या respond? That's the best I could get for the day. Hoping alike for you too. ठीक है? यानी कि आज का दिन सबसे बढ़िया जो मुझे चाहिए था वह आपने मुझे compliment किया. Hoping alike for you too. मैं भी यही कामना करती हूँ आपके लिए या करता हूँ. That's the best I could get for the day. Hoping alike for you too. That's the best I could get for the day. Hoping alike for you too. The next one we have, aren't you the sweetest? इसको हम कब कहते हैं? Very simple. If someone says you look beautiful, you look gorgeous, okay, you have done wonderful job. So in that case, instead of saying same, thank you or whatever, so you can say, aren't you the sweetest? So this is one of the expressions. Aren't you the sweetest? Aren't you the sweetest? Next one is, yeah, I wish the best for you too. For example, you are going to do something, okay, or maybe you are going to appear in an interview, okay. If someone says, okay, best of luck, so you can say, yeah, I wish the best for you too. Yeah, I wish the best for you too. Okay. Idiom, under the weather. It means somewhat ill or gloomy, yani ki kuch bimar hona, udas hona, under the weather. He has been under the weather these days. आजकल वो उसकी तबीयत खराब है, बीमार है आजकल वो. Guys, you must use this idiom in your writing skills or in your spoken skills, right? So when you start using this idiom, definitely it will give you an edge, an extra edge over others. Okay, it's really going to help you under the weather. And I guarantee you, if you write an application and if you write I'm under the weather, or if you say to someone, means you're in the class or you're not feeling well, if you say to your teacher, ma'am or sir, I'm under the weather, okay, so definitely he's going to be surprised. Oh, what's going with that person, that student? Isko kya ho gaya bhai? Yes, English kahan se isne seekh li? Okay, it really makes a big difference, believe me. Proverb, next one we have proverb, a little fire is quickly trodden out, यानी कि छोटी सी आग जो होती है ना उसको आसानी से बुझाया जा सकता है. इट मीन्स इफ यू डील विद अ माइनर प्रॉब्लम क्विकली, इट विल नॉट बिकम अ मेजर इशू. अगर आप छोटी सी जो परेशानी होती है ना, प्रॉब्लम होती है, उसको उसी टाइम डील कर लें, उसको उसी टाइम सॉल्व कर दें, तो वो बड़ा इशू नहीं बनता. ओके, अ लिटिल फायर इज क्विकली टर्न आउट. तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रोवर्ब्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया उनको. इट इज़ वाइज टू निप द ईविल इन द बड, यानी कि बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर देना अच्छा है. इट इज़ वाइज टू निप द ईविल इन द बड. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी कि समय पे किया गया काम बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेता है. अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन. ओके, यू कैन लर्न ईदर ऑफ देम एंड डेफिनेटली यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर कॉन्वर्सेशन एंड इन योर राइटिंग स्किल्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव सम यूजफुल सेंटेंसेस. So we harbor an ocean of desires in our heart, but all these dreams are never realized. मतलब हमारे दिल में तो हजारों इच्छाएं होती हैं, जैसे समंदर इतना विशाल होता है, ऐसे ही विशाल हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन सारे सपने पूरे नहीं होते, है ना? It's true. Nobody can have the whole world. We harbor an ocean of desires in our heart, but all these dreams are never realized.
Each of us has our share of challenges in life, यानी कि हम सबके अपने अपने challenges हैं life में, यानी कि सब कोई दुखी है, सबकी जीवन में कोई ना कोई problems हैं. For example, the first guru in Sikhism, Shri Guru Nanak Dev Ji, what he says, Nanak Dukhiya Sab Sansar, means everybody is facing misery, some kind of misery in this world. No one is happy in this world. Okay, so each of us has our share of challenges in life. Hum sab ke life